बहुत सारे लोगों ने जो मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे उनको पता नहीं होगा कि ये कौन है, क्योंकि मैं इसको ब्लॉग में बहुत टाइम बाद ले रहा हूँ। बॉबी के आँख पे ना क्या हो रहा है बॉबी, इधर बता, ये देख लो बॉबी का आँख बड़ा हो गया आजकल। मैं आ रखा हूँ गाँव की सामूहिक धारा पे, और यहाँ पर एक खास इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये देख लो ये धो रहा है कपड़े। चलो अपने काम कभी कभी स्वयं कर लेना चाहिए। अभी देखो गोभी की क्यारी डाली जाएगी इसमें, ऐसे करके गोभी की क्यारी डालते हैं। और सबसे पहले वो कुदाल से वो बनाया है सीख। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर सा गांव सुमाई भविष्य बद्री से। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं सुबह हाथ मुँह धो के मंदिर जाके, अभी मेरा नाश्ता वगैरह भी हो चुका और आजकल ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहे हैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू भी है और बरसात के कारण टाइम टाइम पे ब्लॉग भी बन नहीं रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आपके लिए समय समय पर नई नई वीडियो। आज मौसम कल के मुताबिक थोड़ा बहुत ठीक है, कल तो पूरे सुबह से लेकर दिन भर बारिश थी। तो आज हमने जो गेहूँ की मड़ाई करी थी उसको डाल दिया है धूप पे, अभी तो ये पूरा साफ नहीं करा है। तो ये देख लो इस पर, देख लो पहले अभी छाने जाएंगे, फिर फिलहाल ये खाली सुखाने के लिए डाला है। और मौसम देख लो ना अभी, बहुत सारे लोगों ने जो मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे उनको पता नहीं होगा कि ये कौन है, क्योंकि मैं इसको ब्लॉग में बहुत टाइम बाद ले रहा हूँ। जब ये बहुत छोटा था उस टाइम लिया था ना न्याय कर, और ये अब पूरे साल भर का हो गया और चलने भी बैठ गया। लगा लो और गेस करना कौन है। देख लो ये चलने बैठ गया, आ जा ये देख लो। और ये है भविष्य का छोटा भाई तनिष्क रावत, ना वो भी तेरा भाई है ना। ये देख लो गाना लगा तो सिर्फ डांस कर रही है, सिर्फ डांस करता नहीं, यहाँ देख ये। बॉबी के आँख पे ना क्या हो रहा बॉबी, इधर बता, ये देख लो बॉबी का आँख बड़ा हो गया आजकल। इसको बोलते हैं अंगड़ा, अंगड़ा बोलते हैं ना उसको, अंगड़ा हो रही, अभी सही हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है क्यों नहीं, सही हो जाएगा ना, सही हो जाएगा ना। हाँ डांस कर दो डांस। ताई जी ने भी यहाँ मड़ाई कर दी गेहूँ की, और अब ये मड़ाई करके गेहूँ तो ये रहे नीचे और ये घास। अब ताई जी बताएगी हम अटके के करते हुए क्या किया आज है, गेहूँ की मड़ाई होगी हैं, बारिश से परेशान हो गया था, आज जरा धूप लग गया नहीं। बाकी दोस्तों अभी मैं आ रखा हूँ गांव की सामूहिक धारा पे, और यहाँ पर एक खास इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये देख लो ये धो रहा है कपड़े। चलो अपने काम कभी कभी स्वयं कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मजबूरी भी है। ताई जी वहाँ पे गेहूँ की मड़ाई कर रही है और इसको मतलब कपड़े धोने पे लगाया है, और इसी साल भी क्या कुछ 6-7 महीने बाकी है, उसके बाद इसकी शादी है, आपको पता लग ही जाएगा ब्लॉग के माध्यम से अगर आप रेगुलर देखोगे तो। ये देख लो अभी मस्त से अपने सलवार वगैरह धोएगा, उसके बाद खाना बनाना है इसने, उसके बाद गाय के साथ जाना, बहुत काम है इसके आज ना, जंगली में। चलो मैं बुलाऊँ अपने कपड़े, बाय गॉड। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ से बहुत ही बद्री की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अंशुल जी आए हैं, क्योंकि उन्होंने आजकल काम पकड़ा है इधर मंदिर में, तो वो कह रहे हैं ऊपर मंदिर तक चलते हैं थोड़ा घूमने, तो निकलते हैं यहाँ से सीधे भविष्य बद्री की ओर। तो चलिए दोस्तों मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं और अब चलते हैं यहाँ से वापसी, क्योंकि ना बारिश भी होने वाली है तगड़ी, इसके बाद फटाफट निकलते हैं, अभी खाना भी नहीं खाया है, सीधे यहाँ से घर की ओर निकलते हैं। और अभी देख लो पूरे जंगलों के बीच में नारायण जी बसे हुए, आप लगातार आपको दर्शन कराता रहता हूँ, आज अंदर नहीं करवाया, कोई नहीं बाहर से देख लो आप। हेलो दोस्तों यह है दूसरा दिन, और कल ब्लॉग आधा ही छोड़ा था, क्योंकि सुबह से 11-12 बजे तक मौसम ठीक था, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई मतलब रुकने का नाम ही नहीं, पूरे रात भर बारिश हुई। अभी हल्की फुल्की मौसम ठीक है, और अभी आए हैं बाहर छत पे,
ये देख लो सीधे छत पे इनकी स्कूलों की छुट्टी है लगातार 3 दिनों से, बस एक ही मैसेज आ रहा है शाम को, कल छुट्टी परसों छुट्टी। और बरसात में होना ही वैसा है क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड वगैरह और बारिश के कारण जगह जगह टूट फूट होना, उसके बाद विद्यालय की छुट्टी हो जाएगी। चांद भाई आ गए, ये है इनका ट्रीटमेंट का 3रा दिन, इधर करो वो वाला, अभी ठीक हो गया ना। 3रे दिन में आग जो परसों सूझा हुआ था वो ठीक हो गया, अभी अब पहले से गुड। कैसा लग रहा आप है इसकी, ऐसा लग रहा ना इसकी याददाश्त चलेगी होगी भाई जी, याददाश्त ठीक है है। और अभी सुबह का टाइम है, मंदिर जाके नाश्ता वगैरह हो गया है हमारा, और छत पे थोड़ा इस भविष्य के साथ खेल कर रहे हैं इधर सारे लोग, ये देख लो। और मौसम देख लो ना, आज भी मौसम खराब ही है, यहाँ भी बादल है पूरे चारों ओर, और थोड़ी देर में क्या पता फिर से बारिश हो जाए स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मतलब ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक भी ब्लॉग अभी तक वो पूरा हुआ नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है, क्योंकि दिन भर कभी मौसम ठीक हो रहा है तो उसके बाद बारिश स्टार्ट हो जा रही है, और अभी भी वैसे ही, अभी मैं शाम के टाइम 4 बज रहे हैं और हल्की धूप लगी है, मौसम अभी खुल चुका है। तो नीचे चलते हैं पापा जी खेत में, पता नहीं गोभी की क्यारी डाल रही, क्या कर रहे हैं। अरे देखो गोभी की क्यारी डाली जाएगी इसमें, ऐसे करके गोभी की क्यारी डालते हैं, और सबसे पहले वो कुदाल से वो बनाया है सीख, तो उसमें डालेंगे। ये देख लो बीज, ये देख लो इन बीजों को उनमें डालेंगे। अब बीज भी गोभी के कलर के हैं पूरे, एक एक करके पूरी क्यारी भरेगी, और जब इसके पौधे बन जाएंगे उसके बाद खेतों में लगाएंगे पूरे। लास्ट में ऐसे हो जाएंगे गोभी बन के, ये पिछले महीने लगाए थे, इतने बड़े हो गए। तनिष क्या कर रहा है, वो तनिष क्या कर रहा है, हेलो कर, हेलो हेलो। तो चलिए दोस्तों, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मौसम अच्छा हो रखा है, तो हम रोड साइड आ रखे हैं घूमने, और यहाँ तक ना, यहाँ से ऊपर गांव से ऊपर यानी भविष्य बल्दी तक डामरीकरण हुआ है, और यहाँ से नीचे अभी नहीं हुआ क्योंकि आजकल बरसात है, इस वजह से छोड़ रखा है, वरना बरसात में ये डामरीकरण उखड़ जाता है। फिर भी डामरीकरण उतना अच्छा हुआ है नहीं, और एक ख़ास बात क्या है कि 5 साल तक इन्हीं का इस पर मतलब जहाँ भी डामरीकरण उखड़ जाता है तो इन्हीं का काम है, इसीलिए ज़्यादा कुछ गांव वाले बोल नहीं रहे हैं, वरना लोग हल्ला कर देते कि ऐसा डामर क्यों गया है। तो फिलहाल देख लो ना, कमेंट करके बताना कैसा गया है, वीडियो में तो ठीक ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जिन जगह 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 उखड़ रहा है उन जगह, ये देख लो जैसे ये भी वाला है साइड से, मतलब वैसे डामरीकरण ठीक हुआ है लेकिन साइड से अच्छा नहीं हुआ है। आजकल रोडों के किनारे हरियाली इतनी बढ़ गई है ना, यहाँ देख लो रोडों से ऊपर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, और मैं डामरीकरण की बात कर ही रहा था, यहाँ पे देख लो ना ये भी उखड़ गया, ये तो मेरे पैर से उखड़ जाएगा, यहाँ देख लो। इसीलिए जगह जगह आजकल बरसात से ये डामरीकरण फट जा रहा है, और इसकी खुदाई करने के लिए आज जो आ रखा है ये देख लो। खैर इन सारी चीज़ों से क्या करें, वो तो मतलब ठेकेदार पे बात है, वो काम कैसे करवाता है, फिर भी गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ज़रा सचेत होना चाहिए गांव में जब ऐसा काम हो रहा है। फिलहाल हम निकलते हैं यहां से आगे, और बाकी करप्शन करने वालों को क्या बोल सकते हैं, पूरा देश ही करप्शन में लिप्त है, वैसे ही छोटे मोटे लोग भी होंगे दोस्तों। जैसे ही ना मतलब कीड़ा जड़ी का सीजन समाप्त हुआ है, तो अज्जू भाई मतलब आप लोग समझ आना अज्जू भाई किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, उस चीज़ का सीजन स्टार्ट हो गया है, अगर जो लोकल लोग होंगे वो समझ गए होंगे क्या चीज़ है जो मतलब इसके बाद जो कमाई का साधन होने वाला है अज्जू भाई का, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि उसके पेड़ इधर बहुत सारे हैं, अगर लोकल लोग होंगे वो ज़रूर कमेंट में बताना। और एक ख़ास बात, आजकल ना चूल्हे के पेड़ पर चूल्हे भी लग गई, देख लो हमारे इधर, आपके इधर आरओ वगैरह बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको चूल्हे। तो दोस्तों अभी घूमते घूमते हम गांव के लास्ट यानी ऊपर साइड आ गए हैं, यहाँ से रोड भविष्य बद्री के लिए जाती है, और गांव यहाँ से नीचे है, और वीडियो में मतलब आपने देखा होगा हमारा गांव पूरा दिखता है नहीं, और ड्रोन शॉट में अगर जो पुराने वीडियो देखते होंगे उन्होंने देखा होगा ड्रोन शॉट में कि वीडियो कैसा दिखता है, और नहीं तो बाद में आपको कभी दिखाएंगे कि पूरा, क्योंकि गाँव में क्या है कहीं ढलान है कहीं समतल मैदान जैसा है, तो इस वजह से पूरा मतलब एक
इसकी बारे में वीडियोस में दिखता है। अभी घूम के वापसी आ चुके हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। लगातार दो दिनों से जो ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा था, फाइनली वो आज पूरा हो गया है, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो आज थोड़ा एक दो घंटे मौसम बिल्कुल ठीक रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।